शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अपने बेटे को मारने के बाद भी आप कुछ नहीं पा पाएंगे। अधिराज और सुनैना आपको बहुत जल्द खत्म कर देंगे। हमें वापस मिल गई। अब वो अधिराज और सुनैना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। अब उन दोनों को हम बद से बदतर सजा देंगे। आपने जैसा कहा था हमने ठीक वैसा ही किया। अब आप भी अपने वादे के अनुसार अधिराज को कभी क्षति नहीं पहुंचाएंगे, है ना? अधिराज, इसे पार करने का या रोकने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो सुनैना, क्योंकि हम जब यहाँ पर पहुंचे थे तो आग जलने लगी, तो इसे बुझाने के लिए कुछ ना कुछ तो अवश्य होगा। तुम यही रुको, हम देख कर आते हैं। हाँ। सुनैना, यहाँ कुछ भी नहीं है। सुनैना, अब हमें इसे पार करना होगा ताकि हम उस चमकीली गेंद को नष्ट कर सके। नहीं अधिराज, चिंता मत करो सुनैना, हमारे पास कालास्त्र है, हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। पर आपका शरीर तो जलेगा ना, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। सुनैना, हमें जाना होगा, हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं और समय भी बहुत कम है। तो फिर ठीक है, मैं उस आग के घेरे को पार करूंगी। तुम समझा करो सुनैना, हमें जाने दो। नहीं अधिराज, हम समझने की कोशिश की। तुम्हें कुछ हो जाएगा, हमें जाने दो सुनैना। तुम ना करो हमारी बात को। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं सुनैना? पार चाहे तुम करो या तुम्हारा पति, मरना तो तुम दोनों को है। और बहुत बुरी मौत मरोगे। हिम्मत है तो जाओ, जाकर छूकर दिखाओ उस चमकीली गेंद को। और याद रहे, ये कोई साधारण अग्नि नहीं है, इस पर कदम रखते ही भस्म हो जाओगे तुम दोनों। मरने के लिए तैयार हो जाओ सुनैना, उसके बाद हम अधिराज का वो हाल करेंगे कि वो विवश होकर खुद हमें कालस्त्र दे देगा। रक्षा करो। ना ना ना, इस अग्नि पर तुम्हारी अम्बे माँ नहीं बल्कि हम जैसी काली शक्तियां ही काबू पा सकती है। सुने ना, तुमने हमसे कहा था ना कि कालस्त्र के अंदर काली शक्तियां होती है, तो फिर हमारे भीतर जो कालस्त्र है उससे इस अग्नि पर काबू किया जा सकता है। हाँ अधिराज, आपने सही कहा। अधिराज! पिशाच लोक से तुम नहीं जा सकते अधिराज।
बस सामने आ जाओ तो हम सुनैना को बख्श देंगे, वरना ऐसी मौत देंगे कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। हजरत, इसको उपयोग कैसे करेंगे? हमने तुम करोगे। तब तक हम मंत्र लिखा को रोकने का प्रयास करेंगे ताकि वो तुम पर प्रहार ना कर सके। नहीं अदराज, मैं आपको कालेश्वर के बिना मंत्र लिखा के सामने नहीं जाने दूंगी, वरना वो मंत्र लिखा आपकी जान ले लेगी। सुनने ना, तुम्हें अम्बे माँ पर भरोसा है ना, तो उसे कायम रखो। वैसे भी हमारे पास अग्निवंश शक्तियाँ, वो इतनी आसानी से हमें मार नहीं पाएगी। देखो क्या हो रहा है?